इस वक्त है सुमन शर्मा दिल्ली से। सुमन जी पूछे सवाल। हाँ जी नमस्कार सर, मुझे एक प्रश्न पूछना है कि मेरी मदर हैं, उन्होंने फर्स्ट डोज ली थी वैक्सीन की, उसके बाद उन्हें कुछ घंटे बाद फीवर आया, उसके एक दो दिन में वो ठीक हो गई, उसके बाद से क्या हो रहा है कि वो उन्हें बीच बीच में फीवर आ रहा है, फीवरिश फील कर रही है वो। तो डॉक्टर सुभाष चंद्रा क्या इनके लिए क्या सलाह? तो इनको ये ऐसे मरीज हैं जो वैक्सीन लगने के बाद जिनको फीवर आता है या कुछ लक्षण कोरोना के लगते हैं, तो सबसे पहले तो इनको टेस्ट कराना चाहिए, आरटीपीसीआर या सीबीनेट टेस्ट जो है, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो कोरोना की जितनी सावधानियां बरतनी होती हैं वो सब उनको ऑब्जर्व करनी चाहिए। फीवर के लिए पैरासीटामोल रेगुलरली ले सकते हैं, दिन में 2 से 3 बार, पानी खूब पिए, स्टीम इनहेलेशन लें, और जिंक और विटामिन सी का रेगुलर प्रयोग करें, और सैचुरेशन पे वॉच रखें, हर 4 घंटे पे अपनी उंगली पे पल्स ऑक्सीमीटर लगाकर देखें कि सैचुरेशन 94 के ऊपर है या नहीं, और अगर पॉजिटिव कोरोना है तो उसको उसी के विचार से ट्रीट करें, और क्योंकि वैक्सीन लग चुका है तो बहुत चांसेस हैं कि इनको माइल्ड डिसीज होने के बाद ही ठीक हो जाएंगे। योगेश है हमारे साथ गुड़गांव से। योगेश जी पूछिए सवाल। देखो ना, 10-12 दिन हो गए हैं सर, उसकी खांसी में आराम नहीं हो रहा और ना ही उसको कोई फीवर है। डॉक्टर रजनीश। या तो 10-12 दिन से अगर खांसी है और फीवर नहीं है तो भी इस वक्त जैसा सिचुएशन है हमें कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए, आपको एक कोविड टेस्टिंग कराना जरूरी है। कोविड टेस्टिंग के अलग अलग लक्षण हो सकते हैं, इट मे प्रेजेंट ओनली एज कफ, सिर्फ खांसी के रूप से, बॉडी एक्स के रूप से, और फीवर भी हो सकता है, बट बहुत बार ऐसा भी होता है फीवर नहीं आता, ये छुटपुट सिम्टम्स होते हैं, तब भी ये टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बहुत फायदे हैं क्योंकि आपको एक तो ये पता चले कोरोना है या नहीं, और अगर है तो आप समाज के लिए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अगर है अपने को आइसोलेट करें तो आप समाज में ये डिजीज फैलने से रोक रहे हैं इसको। ठीक है, एक दर्शक है उत्तराखंड से वासु हमारे साथ। वासु जी पूछिए सवाल। सर नमस्कार। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे घर में किसी को कोरोना हो रखा है और वो 10 दिन क्वारंटाइन नहीं था, हम उनके संपर्क में आ सकते हैं, फिर उनको घर में भी क्वारंटाइन होना पड़ेगा? डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, तो घर में जिनको कोरोना हुआ है तो सबसे पहले उनको आइसोलेट करना आवश्यक है, और घर के जितने मेंबर्स हैं सभी को मास्क लगाने के बाद ही उनके संपर्क में आए, और आज की मान्यताओं के हिसाब से N95 मास्क ही यूज करने चाहिए, कपड़े के मास्क कारगर नहीं है। ये N95 आपके मास्क 95% तक आपको सेफ रखेंगे, कभी कभी डबल मास्क का प्रोविजन भी है अगर आप मरीज के संपर्क में आते हैं या उनके, लेकिन आपको सबको 2 से 3 हफ्ते के बीच आइसोलेट करके रहना है, और उनके इलाज के जो समुचित तरीका है, स्टेज 1 स्टेज 2, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन देखना, उनके ब्लड टेस्ट भेजना जिसमें CRP और डी डाइमर पे एक वॉच रखना, ये सब आवश्यक है। किसी भी स्टेज पे वो अगर स्थिति गिरती है तो आपको ऑक्सीजन का प्रबंध करना चाहिए और अस्पताल से बात करनी चाहिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।